देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है, खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश भर में लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच आम लोगों के लिए एक मौज वाली खबर सामने आई है। दरअसल देश भर के तेल तिलहन बाजारों में बीते सप्ताह कच्चे पाम तेल CPO, सोयाबीन तेल, मूंगफली और सरसों तेल के भाव गिरकर बंद हुए, जबकि सस्ता होने के कारण देशी तेल की मांग बढ़ने से सरसों सोयाबीन तिलहन कीमतों में सुधार दर्ज हुआ है। बाजार सूत्रों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मंदी और स्थानीय आवक बढ़ने से पिछले सप्ताहांत के मुकाबले बीते सप्ताह सरसों दाने का भाव 100 रुपये बढ़कर 7600 से 7650 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। सरसों दादरी तेल 15300 रुपये क्विंटल पर स्थिर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर सरसों पक्की घानी और कच्ची घानी तेल की कीमत भी 10-10 रुपये की नुकसान के साथ 2415 से 2490 रुपये और 2465 से 2565 रुपये टीन पर बंद हुई। वहीं बताते सूत्रों ने कहा है कि बीते सप्ताह विदेशों में मंदी के बावजूद सोयाबीन दाने और सोयाबीन लूस के भाव 100-100 रुपये के साथ ये 7525 से 7575 रुपये और 7225 से 7325 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुए। बता दें सोयाबीन तेल कीमतों में गिरावट आई है। वहीं समीक्षाधीन सप्ताह में मूंगफली दाने का भाव 100 रुपये घटकर 6600 से 6695 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुए, जबकि मूंगफली तेल का भाव 200 रुपये से 15400 रुपये प्रति क्विंटल टीन पर बंद हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।